सिरनास फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या शहनाज और सिद्धार्थ शादी करने वाले हैं? क्यों गौतम गुलाटी उन दोनों के लिए खुश हैं? कुछ इसी तरह की बात जो है गौतम ने की है, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि क्या वाकई में दोनों शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्या है पूरी खबर, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि शहनाज जो है गौतम गुलाटी को कितना पसंद करती हैं, और जब गौतम गुलाटी घर के अंदर गए थे तो शहनाज की मस्ती आप लोगों ने देख ही ली थी। अब गौतम गुलाटी अपनी आने वाली एल्बम उसका प्रमोशन कर रहे थे और उनसे बेशरम बेवफा का पूछा गया शहनाज के बारे में कि आप उसके टच में हैं अभी भी। तो गौतम ने कहा जी नहीं, वैसे टाइम तो नहीं मिलता, तो कभी ऐसे बात नहीं हुई है। यू नो हाय हेलो सबकी होती ही रहती है, पर वैसा हमारा मिलना नहीं हुआ है। बट आई कीप चैटिंग विद हर ब्रदर जो मेरे सोशल मीडिया पर है। हाय हेलो वो मुझे करता रहता है, कभी कभी मैं भी हाय हेलो करता कर देता हूँ। वैसे हमारा कोई टच नहीं है क्योंकि इट वॉज ऑल प्रोफेशनल, बट शी इज़ अ नाइस गर्ल एंड डिसेंट गर्ल। आई एम रियली हैप्पी फॉर हर एंड सिद्धार्थ। मैं बहुत खुश हूँ उसके और सिद्धार्थ को लेकर, यानी कि दोनों के रिश्ते को लेकर। तो क्या गौतम का ये कहना था कि सिद्धार्थ और शहनाज जो हैं वो शादी कर रहे हैं या एक दूसरे से रिलेशन में है, इस तरह का उन्होंने जो है एक, क्योंकि मैं शहनाज और सिद्धार्थ के लिए खुश हूँ, यानी कि दोनों के रिलेशन पर वो जो है जानते हैं और इसीलिए उन्होंने ये जिक्र किया। वो आगे कहते हैं कि अच्छा आप सिद्धार्थ की जोड़ी के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छी बात है, गॉड ब्लेस देम, ऑफकोर्स वन शुड थिंक ऑफ मैरिंग एंड वन शुड थिंक ऑफ बींग विद इच अदर, यानी कि एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहने के बारे में, शादी के बारे में सोचना चाहिए। प्यार जो है बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, तो क्यों नहीं, ऑफकोर्स वन शुड डू दैट, सो आई थिंक दे शुड गो अहेड। तो मुझे लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए और उन दोनों को इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और पता नहीं वो लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दोनों, शहनाज अच्छी लड़की है, मैं उसके और सिद्धार्थ के लिए खुश हूँ, यानी कि उनके बीच रिलेशनशिप है। इस बात को लेकर उन्होंने, उनकी बात जो है इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो जब उनसे शहनाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किस बात के बारे में सोच रहे हैं, सोचना चाहिए आगे बढ़ने के बारे में, शादी करने के बारे में, क्योंकि जो प्यार है वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो एक बात तो तय है, हम लोगों ने जो है उनकी बॉन्डिंग जो है दोनों की, मुझसे शादी करोगे के सेट पर भी देखी थी कि किस तरीके से शहनाज और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग नज़र आ रही थी जब सिद्धार्थ स्टेज पर आए थे, बिग बॉस 13 में भी देखी थी। तो हो सकता है कि वाकई में इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ हो या जिक्र हो रहा हो जिसका लोगों को पता नहीं, लेकिन ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। इस बात की चर्चाएं काफ़ी समय से हैं, बिग बॉस 13 से ही इस बात की चर्चाएं हैं, लेकिन अब गौतम गुलाटी ने जो बात कही है वो वाकई में सिरनास फैंस को खुश कर देगी।